मौसम से करेंगे, जहां एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और 24 घंटे में जोरदार बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है। रायपुर बिलासपुर समेत प्रदेश के कई शहर हैं जो पूरी तरह से तरबतर हो चुके हैं। तेज बारिश का सिलसिला जारी है और लगातार हो रही बारिश के बाद अब जांजगीर चांपा समेत नारायणपुर और इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जो सूखे के संकट से बाहर हो चुके हैं। बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात जरूर बने, लेकिन गर्मी से राहत लोगों को मिली है और ये राहत की बारिश से कहा जाएगा। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, ताजा हाल जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह का मौसम फिलहाल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है? कई ऐसे जिले पूरी तरह से तरबतर हो चुके हैं और सूखे के संकट से बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बुधवार शाम से जो बारिश का सिलसिला जारी हुआ है वो लगातार जारी है। आज भी यदि हम बात करें तो सुबह से ही राजधानी में बादल घिरा हुआ है और रिमझिम बारिश का दौर जो है वो जारी है और लोगों को जो उमस और उसके साथ साथ जो तेज गर्मी थी उससे राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अचानक बदला था उसके बाद से ही लोग परेशान हो रहे थे। और यदि मैं पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की बात करूं तो तीन ऐसे जिले हैं जहां पर एक्सेस बारिश हो चुकी है, जिसमें रायपुर के साथ साथ मुंगेली और बीजापुर, ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर एक्सेस बारिश हुई है। और उसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूं सामान्य बारिश की तो छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में अभी तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को पानी की कमी की बात हो रही थी, जो कम वर्षा की बात हो रही थी, चिंता थी, उससे राहत मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके की बारिश हो रही है उससे राहत मिलती नजर आ रही है। और सरगुजा संभाग खासकर ऐसा संभाग था जहां पर के लोगों को ज्यादा चिंता थी, किसानों को ज्यादा चिंता थी बारिश को लेकर, लेकिन अब तमाम जिले जो है वहां पर पानी जो है, बारिश जो है वो सामान्य तौर पे हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक ठीक इसी तरीके की स्थिति जो है वो प्रदेश में बनी रहेगी और बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मानसूनी बारिश लेकिन लोगों के लिए राहत लेकर आई है। कई जिले सूखे के संकट से बाहर हो चुके हैं। गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है तो वही दूसरी तरफ पानी का जो संकट लोगों के सामने खड़ा हुआ था कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा, तो वो संकट भी दूर हो चुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है।